बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो पाकिस्तान में नोटिस वेलफेयर फंड स्कॉलरशिप 2024 के रिलेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर की जानिब से पाकिस्तान में नोटिस वेलफेयर फंड स्कॉलरशिप 2024 की रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स की अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई की सर्विस जो है वो भी स्टार्ट की हैं। आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 03186845766 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में नोटिस वेलफेयर फंड स्कॉलरशिप 2024 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 नवंबर 2024 है। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो पाकिस्तान में नोटिस वेलफेयर फंड स्कॉलरशिप 2024 के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट नॉन मुस्लिम होना चाहिए। सेकंड नंबर पे जो है वो कैंडिडेट के लास्ट ईयर में जो है वो 50% मार्क्स जो है वो लाजमी होने चाहिए। थर्ड पॉइंट पे आपके पेरेंट्स की मंथली इनकम जो है वो 74,000 से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन शो है स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इधर आपके सामने ऑप्शन शो है रजिस्ट्रेशन लिंक, क्लिक हेयर, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमें CNIC नंबर या बेफॉर्म नंबर जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद फुल नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद फादर का फुल नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद जेंडर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपने सेलेक्ट करनी है। इसके बाद रिलीजियस कम्युनिटी का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद प्रोविंस का नेम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद मोबाइल फोन नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद व्हाट्सएप मोबाइल फोन नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस इंटर करना है। इसके बाद पोस्टल एड्रेस जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद गार्डियन इन्फॉर्मेशन जो अपने वो इंटर करनी है। सबसे पहले फादर का नेम जो वो टाइप करेंगे। इसके बाद रिलेशन जो अपने वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद प्रोफेशन जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का नेम जो है वो इंटर करना है। इसके बाद मंथली इनकम जो अपने वो इंटर करनी है। इसके बाद नीचे अपने एजुकेशनल डिटेल जो अपने वो इंटर करनी है। इसके बाद नीचे अपने बैंक अकाउंट डिटेल जो है फादर की वो इंटर करेंगे और टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करने के बाद रजिस्टर के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका वो शो हो जाएगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को अपने अटेस्ट करवाना है हेड ऑफ इंस्टीट्यूट से और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपने अटेस्टेड एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा फादर का CNIC, इसके अलावा बेफॉर्म की अटेस्टेड फोटोकॉपी जो है अपने वो अटैच करनी है और ये अपने TCS करना है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स को, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल।